नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल, PSSM Blessings ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने देखा कि बगीचे से सामान लेने पर वहाँ का मालिक टॉर्कुम जिसे जीवन दर्शन की बातें करता है और समझाता है कि जीना कैसे चाहिए। ऑडियो नंबर 55 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। वह मालिक से पूछते हैं, आपके राय में सब्जियां लेकर क्या हमने कुछ गलत किया? उसने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैंने ऐसे बहुत से काम किए हैं जो तुम अभी कर रहे हो। मैं तुम्हें एक साहसी व्यक्ति को देख रहा हूँ। अगर भविष्य में तुम इस साहस को मानव जीवन के रहस्यों में प्रवेश कराने के काम में ला सको और वहाँ से कुछ प्रकाश लेकर आ सको तो तुम एक महान लीडर बनोगे। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अपने घोड़े से नीचे उतरो, चलो अंदर चलकर चाय पीते हैं। मैंने पूछा, आपका मुझ पर आक्रमण करने का या सजा देने का कोई इरादा नहीं है ना? उसने कहा, मैं न ही तुम पर कोई आक्रमण करूँगा और न ही तुम्हें कोई दुख पहुँचाऊँगा। मेरे साथ आओ, चिंता मत करो, बहादुर बनो। सारी अच्छी चीज़ें साहस का ही परिणाम है। मैंने कहा, आता हूँ। और मैं घोड़े से उतरकर घोड़े को गेट पर ही छोड़कर उसके साथ चल दिया। बहुत चिंतित होकर मैं उसकी गतिविधियों पर भी नज़र रखे हुए था। उसने कहा, आओ आराम करो, जाओ अपने दोस्तों को भी बुला लो, सभी मिलकर चाय पीते हैं। मैंने कहा, मुझे लगता है आप जाकर उन्हें बुलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। उसने कहा, ठीक है। वह गया और उन्हें अपनी झोपड़ी में ले आया, उन थैलों के साथ जिसमें फल और सब्जियां भरी हुई थी। हमने चाय पी, साथ में चीज़ और ऑलिव्स भी खाए। फिर उन्होंने सूफी लेखक की एक छोटी सी कहानी भी सुनाई, जिसका सार था कि कैसे एक व्यक्ति आत्मा की खोज करते करते ईश्वर से एकाकार हो गया। जब कहानी खत्म हुई तो मैंने कहा, अंकल, हमने आपके बगीचे में घुसकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। हम अपने साथ ही फल और सब्जियां नहीं ले जा सकते। मैं इन्हें नहीं खा पाऊंगा क्योंकि यह मेरे नहीं हैं। मैंने दोस्तों से कहा, उन थैलों को यहीं छोड़ दो। उसने कहा, अरे नहीं, वे ईश्वर के हैं और हम भी ईश्वर के। ईश्वर अपने बच्चों का ध्यान रखता है। तुम्हें इन फल और सब्जियों की ज़रूरत है? मैंने कहा, हाँ हमें ज़रूरत है, लेकिन हमने जो भी किया वह अब सही नहीं लग रहा है। उसने कहा, मैंने इनके लिए काम किया था, लेकिन अब मैं पूरी आत्मीयता के साथ यह तुम्हें देना चाहता हूँ। मैंने कहा, लेकिन मैं आपको क्या दे सकता हूँ? उसने कहा, जब समय आएगा तो तुम अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करोगे और तब तुम्हारे सारे ऋण चुक जाएंगे। और उसने बहुत गहराई से मेरी आंखों में देखा। और यह पहली बार नहीं हुआ था कि मेरे पूरे शरीर में ठंड की एक लहर दौड़ गई। मैंने उसके हाथों को किस किया और कहा, क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया? उसने कहा, अगर तुम दोबारा आओ तो। और अब तुम मेरे दोस्त हो। उस दिन मैंने उसमें अपने शिक्षक के दर्शन किए। यह घटना यहीं ख़त्म होती है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है रात का आसमान। एक दिन मेरे पिता मुझे शनिवार को पिकनिक के लिए एक पहाड़ पर लेकर गए, जहाँ हम रात एक तंबू में ठहरे। मैंने कहा, पिताजी, पहाड़ की चोटी पर जो तारा चमक रहा है उसे देखिए, एकदम हीरे की भांति चमक रहा है। कुछ देर तक वह मौन होकर देखते रहे और फिर बोले, आर्मेनिया में एक पर्वत है जिसे अरागेट्स कहते हैं। यह एक बहुत सुंदर पर्वत है और वहाँ एक प्रचलित परंपरा है कि एक संत आदमी जो आर्मेनिया से क्राइस्ट के प्रकाश को लेकर आया, उसने पर्वत की चोटी पर
एक लालटेन जलाई और वह लालटेन आसमान से लटकी हुई है। ऐसा कहकर वह फिर कुछ देर के लिए चुप हो गए। उसके पश्चात उन्होंने कहा, हर इंसान एक पर्वत हो सकता है जिसके माथे के ऊपर एक तारा हो। यह वही तारा है जो उसे घर की तरफ का रास्ता दिखाता है। कुछ लोगों के पास यह तारा नहीं होता और इस वजह से उनके हृदय अंधकार से भरे होते हैं। कुछ लोगों के लिए यह तारा एक सूर्य की तरह चमकता है। उसके बाद मैंने कुछ नहीं सुना, मुझे नींद आ गई। मुझे सिर्फ इतना याद रहा कि वह मुझे कंबल उड़ा रहे हैं। भोर होने के पहले जब अंधेरा गया नहीं था और अनगिनत तारे चमक रहे थे, मैं उठ गया और बाहर चला गया ताकि मैं अंधेरी रात में प्रकृति के रहस्य और सुंदरता का आनंद उठा सकूं। मैं सूर्योदय होने तक वहीं रहा। वह दृश्य इतना सुंदर था कि मैं प्रायः समाधि की अवस्था में चला गया था। जब मैं वापस तंबू में आया तो मैंने अपने पिता को ध्यान की अवस्था में पाया। मैंने पूछा, पिताजी आप ध्यान में क्या करते हैं? उन्होंने कहा, ध्यान बहुत सारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अधिक जानने के लक्ष्य से मुक्ति पाने के लिए, स्वयं को ठीक रखने के लिए, उच्च जगत से संपर्क करने के लिए और अपने शरीर से अलग होने के लिए। अंत वाला लक्ष्य मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैंने पूछा, क्या कोई स्वयं को शरीर से अलग कर सकता है? उन्होंने कहा, हाँ, शरीर एक घर है। यह बिल्कुल एक तंबू की तरह है। तुम इसके बाहर और अंदर जा सकते हो अगर तुम जान जाओ कि यह कैसे किया जाता है। मैंने कहा, मैं इसे सीखना चाहता हूँ। मेरे पिता मौन रहे। मैंने पूछा, आप कैसे करते हैं यह? उन्होंने कहा, यह सरल नहीं है। कई वर्षों तक तुम्हें सीखना होगा कि ध्यान कैसे करते हैं। फिर एक दिन तुम अनुभव करोगे कि तुम शरीर नहीं हो। तुम शरीर के बाहर हो जाओगे और शरीर को देख पाओगे। यह विज्ञान यही नहीं खत्म होता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें अच्छी लगेगी। एक समय एक राजकुमार था, बहुत बुद्धिमान और मुक्त पुरुष, जिसे लोग बुद्ध के नाम से जानते थे। एक दिन बुद्ध ने महसूस किया कि इस पृथ्वी पर उनके दिन खत्म होने जा रहे हैं। इसलिए वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और अपने शिष्यों को बुलाकर उनसे कहा, मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए दुखी मत होना। हमेशा संपूर्ण होने की चेष्टा करते रहना और इंसान की भलाई के लिए कार्य करते रहना। उसके बाद उन्होंने अपनी आँखें बंद कर ली और स्वयं को शरीर से अलग कर लिया। उनके अधिकतर शिष्य दूरदर्शी थे। उन लोगों ने बुद्ध को अपने शरीर से बाहर आते देखा। उसके बाद उन्होंने स्वयं को अपने सूक्ष्म शरीर और आग्नेय शरीर से अलग किया और चले गए और अंतरिक्ष में गायब हो गए। शिष्यों ने जल्दी से उनके शरीर को पकड़ा। यह मर चुका था। उन्होंने उसे दफना दिया। कुछ क्षणों के मौन के बाद मेरे पिता ने कहा, यह मरने का या उच्च जगत में चले जाने का सही तरीका है। और अगर हम नियमित रूप से ध्यान करें तो एक दिन हम सीख जाएंगे कि होशपूर्वक स्वयं को शरीर से कैसे अलग करें। ध्यान के महान रहस्यों को उद्घाटित करते हुए डैडी ने पूछा, क्या तुम्हें यह कहानी पसंद आई? किसी भी दिशा में अगर एक विचार पर कंसेंट्रेट किया जाए और इसे लगातार किया जाए तो वो चीज़ें हो सकती हैं जो असंभव प्रतीत होती हैं। मेरे पिता ने फिर मेरी आंखों में देखा और कहा, विचार की शक्ति और कैसे सोचें, यह रहस्य
यह हर ताले की चाबी है, यह मत भूलना। यह घटना यही खत्म होती है। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।